हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेई मेन 2024 में पूछा गया था। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लें। द मास डिफेक्ट इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज 0.4 ग्राम। द एनर्जी ऑफ अमाउंट लिबरेटेड इज एन इंटू 10^7 किलो वाट आवर व्हेन एन इक्वल टू एन की वैल्यू हमें निकालना है। ये क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का है, न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन है, इसमें एन की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो मास डिफेक्ट है किसी रिएक्शन में वो कितना है, मास डिफेक्ट डिफेक्ट 0.4 ग्राम। 0.4 ग्राम को हम लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10^-3 kg, ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन में एनर्जी जो रिलीज हुई है, एनर्जी कितना रिलीज हुई है, इक्वल टू लिख सकते हैं एन इंटू 10^7 किलो वाट आवर। इस किलोवाट आवर को हमें किस चीज में कन्वर्ट करना होगा, जूल में। तो कैसे करते हैं किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए, एन इंटू 10^7 इंटू 3.6 इंटू 10^6 जूल। ये जूल में हो गया किलोवाट आवर से, आपको पता होगा। ऐसे इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन से, जो क्या होता है MC इक्वल टू MC2। और जो m है वो मास डिफेक्ट है, इसलिए डेल्टा m यहाँ से हम लिख ले रहे हैं। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, e की वैल्यू जो है n इंटू 10^7 इंटू 3.6 इंटू 10^-6 इज इक्वल टू मास डिफेक्ट कितना हुआ है, 0.4 इंटू 10^-3, ठीक है। और जो सी है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता, 3 इंटू 10^8 इसका स्क्वायर। अब कुछ नहीं, से सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद एन की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, एन इंटू 10^7 इंटू 3.6 इंटू 10^6 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10^-3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 10^16, ठीक है। यहां से लिख सकते हैं n इंटू 3 इंटू 3 नहीं 3.6, यहां में 3.6 लिखना है, 3.6 इंटू 10^13। और यहां कैसे लिखेंगे, 0.4 या 0.4 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.6, और यहाँ 10^13। यहाँ देखिए 10^13 से 10^13 कट गया, 3.6 से 3.6 कट गया। तो यहाँ क्या बचा, n की जो वैल्यू यहाँ निकल कर आया वो कितना है, 1। तो इसमें जो हमें वैल्यू निकालना था n का, वो निकल गया, n के वैल्यू कितना है, 1। करेक्ट आंसर क्या है, 1, ठीक है। होपफुली सबको समझ आया होगा। थैंक यू।